आप अंदर बार में पधारे हुए समस्त भक्तजन को हमारे जय सिद्धेश्वर बाबा जसगीर पार्वती ग्राम देवपुर चौहा देवी आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। Hey, Bharat Sabha Maa Chaliya.
आज गुरु महाराजा सतानंद ब्राह्मण पहुंचे हवाई ब्राह्मण कथे की राजन जो सिंहासन मंडप बनाए हावसगा आज मल बैठार दी तो कसना आसन में बैठा रहे थे भैया रागी अज सब मन चनते मन चहिका असुंदर विसद विसार अमुनि समेत तो बंधु बैठा रे महिपा भैया रागी आज उनका ऊंचा सिंहासन हावे आज राजन बनवाए हावेगा आज उनका सिंहासन मां आज विश्वामित्र उन्हीं के साथ मधुलो कुमार ला बैठा रही भैया आज उस समय में सतनंद ब्राह्मण कथी की राजन आज देश विदेश के हेतु ना राजा मन जुड़ के हमें आज तो जितना तुमरा पुरी रही उनका धुन के पुरवासी मन भरो जुड़े हवे जी कारण से तय राजा मन ला बुलवाए हवास आज वो करण ला ही तो ने समान में सुना देगा आज उसका वचन ला सुन करके आज राजन कथे जी दो जा भाई जो मैं प्रण करी हवाओं तो ये समाज में सुना दे भैया रागी आज दुख यज्ञशाला में पहुंच करके गा आज दोनों भुजा ला उठा करके कदे की सुना सुना राजा हो मोर राजा ये प्रण थाने हवे जे कोई भी भोलेनाथ बाबा के अजगर धनुष मां प्रपंच चढ़ा दी ही बोला राजन के बेटी जानकी के साथ महेतान विवाह कर दिए जाए और ए संसार में विश्व विजय घोषित कर दिया जाए तो भैया रागी आज राजा मन हवे माँ जानकी गोती ला देखे हवेगा
आज भारी लड़ाई थो थे भैया रागी। आज जनकपुरी में 14,000 राजा जुड़े है भैया रागी, जमा के 10,000 राजा आता ताई राजा ही और 4,000 राजा धर्मात्मा राजा ही भैया रागी। तो भक्ति राजा मन कागरा था बेगा बोला भवानी की जय। एका एका होके एका एका होके राजा धनुष उठाया कपटी राजा मन भरी नाद बाबा का जगह धनुष न उठाना चाहते थे लेकिन टस से मस निकल सकता नहीं कर सकता। आज कपटी राजा मन भैया रागी, जे कपटी आदमी रहते और कपट भावना ज्यादा चलती भैया रागी। आज 10,000 कपटी राजा जुड़े हावे, आज एक एक करके उठा करके देखे भैया रागी, लेकिन टस से मस नहीं कर सके हावेगा। आज इस समय में 10,000 राजा मन कथे जी राजा हो, हमन जी कारज पर आए हवन आज जो कारज ना मन एकब जहो के नहीं निभा सके का होती हमन सब को मिल करके ये धनुष पर सिर्फ प्रपंच चढ़ाना रही से लेकिन हम सब को मिल करके धनुष ला तोड़ करके जाबो। अरे जानकी ला अपन साथ मां ले करके जाबो। तो भैया रागी आज फिर राजा मन का करत हावेगा बुराई सती भवानी की। 10,000 राजा जमा तुम्हारे करे करे राजा जमे धनुष ला उठावे। 10,000 राजा जमा तुम्हारे करे करे राजा जमे धनुष ला उठावे। 10,000 राजा जमा तुम्हारे करे करे राजा जमे धनुष ला उठावे। 10,000 राजा जमा तुम्हारे करे करे राजा भैया रागी आज धनुष लहे तम 10,000 राजा मन उठाना चाहे भैया रागी लेकिन 10 से मस नहीं हो हावेगा। कई प्रकार के नहीं डोले भैया रागी, जे प्रकार के भैया रागी आज डीगा ही ना संभु सरासन कैसे और कामी बचन सती मन जैसे जैसे सती नारी भैया रागी कामी पुरुष के बाद अपन कान में नहीं लेवे भैया रागी। आज वही प्रकार के भोले नाथ बाबा के अजगर धनुष आज राजा मन के बल से टस से मस नहीं हो थावेगा। आज उत्कल अभिदेह राजा जनक जी देखे हावे और बड़ा के कदी की बस यदि मैं जानते हो कि संसार में कोई भट कोई पहलवान कोई छत्री नहीं है, आज मैं पुण्य ठान करके आज अपन हंसी निंदा नहीं करवाते आज इतना बचन लखन लाल जी सुने हावेगा। फिर लखन ताकत भैया रागी बड़ी शक्ति भवानी की जय। काबा चला सुना भैया बोले काबा चला सुना भैया बोले राजा जनक पर गुजरी आए हो ना उतना बचन ला सुना भैया मेरे लग मनहारा उतना बचन ला सुना भैया मेरे लग मनहारा राजा जनक मागो आए हो ना राजा जनक मागो आए हो ना ये मुर्मया
लखनलाल सुन करकेगा लखनलाल गदे की राजन जबान संभाल करके बात करा आप नहीं जाना था का जे करा यदि सूर्यवंशी कुल के छोटे से ही बालक बैठे रहे थे वो जगह कोई भी प्रकार के समाज अब शब्द नहीं कहे आज सक्षात मोर बड़े भैया मोर प्रभु राम बैठे हावे यदि मोर बड़े भैया मोर आज्ञा ला दे देत हावे ना छत्र की दंड जिमी प्रताप बलनाथ जो करो यदि मोर बड़े भैया मोला आज्ञा ला दे थावे मैं कमल के डंडी के समान तोड़ दहा यदि मैं स्नान नहीं करे भगवान के चरण कमल के सौगंध हावे मैं अपन हाथ में धनुष बाण नहीं धरा तो भैया रागी आज उसका क्रोध ला देख करके विश्वामित्र मुनि कथे की बाबू राम समय में लखन लाल ला शांत करवाए हावेगा करवाए भैया आज लखन लाल ला शांत करवाए के बाद मां आज भगवान राम ने कहे कि बाबू राम उठ राम भंजहु भव चापा अमे तहु तात जनक परितापा हे बाबू राम उठ गा और विदेह राजा जनक जी की जो दुख हावे हावे आज लते बैठ दे तो भैया रागी आज भगवान राम गुरु महाराज के आज्ञा ला पैदल किया जो मंच लोग थे हावेगा उठे भैया तो बस ना दिखते भैया रागी आज उदित उताई गिरी मंच परा और रघुवर बाल पतंग अभिक से संत सरोज सदा और हृदय लोचन भैया जैसे सूर्य उगते भैया रागी और सूर्य के समान भगवान मंच लोग थे तो दिखत हावेगा आज सूर्य उठे तब कमल खिले जाती आज ये प्रकार के भगवान जब मंच लोटे हावे तो संग समाज रूपी जो राजा हावे भैया रागी आज सबके हृदय खुल के हावेगा आज भगवान गण प्रकार के धनुष के प्रपंच चढ़ाए बजात भैया रागी बोलादि शक्ति भवानी की साधा के पीछे माता भैया रगी आज भगवान जब यज्ञशाला में चले है भैया रगी आज सिंह की तरह चले है भैया रगी आज पूरे वासी मन है तो आज अपन अपन कुल देवता इष्ट देवता ला मनात हवे भैया रगी के धनुष लहे तो ने राजकुमार तोड़े डाल भैया रगी आज लखन लाल जी अपन डेरी पामा पूरा ब्रह्मांड लहे तो दबा करके रखे आज समय में भगवान राम हावे हे महाराज मणि मन प्रणाम करे भैया रगी भोले नाथ बाबा ला प्रणाम करके आज धनुष लहे हाथ में उठाई आज राजा मन देखते रहे भैया रगी आज समय में भगवान राम प्रपंच ला चढ़ा थी भैया रगी जब प्रपंच चढ़ा दी धनुष की दो खंड होगी भैया रगी बल श्यावर रामचंद्र की सतनंद ब्राह्मण के दिख राजन आज तोर प्रण के हिसाब से तोर बेटी अभी राजकुमार की होगी हावे अब फिर भी आज मन के प्राण विवाह होगी हावे अब दूसरा मन के गंधर्व विवाह लाते चालू कर दी कि ऐसे करेगा तोर बेटी लहे तो सखी के साथ माँ बुला ले और राजकुमार के ऊपर सुंदर जय माला लहे तो डाल देवा अजय प्रकार की आदेश ला दे दिया रागी आज फिर का होतीगा और हरी शक्ति भवानी की समय में भैया सीता यौ सखे मां काली मामा ला पहिला वयो मां
सुंदर वेद मंत्र विचारण करेगा ओम मंगल भगवान विष्णु मंगल विवाह मंगल पुनरेगा छो मंगल हरि समर्पया ओम सर्वमंगल मंगलये शिव सर्वाशादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सुंदर वेद मंत्र को चरण करी हमें आज में माता सुंदर जय मानला पेराई भगवान रानी जय मानला पेराई आज माता सीता पांव पर छुपे हवे लेकिन पांव नहीं पर थे भैया रागी कागर भैया रागी अजी गौतम नारी श्राप प्रसाद और उपल देह धरी थी और चरण कमल रज चाहती और कृपा कर रघुवी रघुनाथ जी कृपा करके आए भैया रागी आज ही कृपा के कारण माता आज मोह में पड़ गए भैया रागी काबर पथरा तो नारी बन गए मोह पथरा की अंगूठी पहरे हूँ एक नारी बन गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाए भैया रागी आज इस समय में मायापति भगवान अपन माया ला हटाए हवे माता सीता सुंदर प्रणाम करे भैया रागी बोल श्यावर राम चंद्र की आज सुंदर अपने अपन आसन में बैठी है भैया रागी आज इस समय में फिर का होतीगा बड़ा शक्ति भवानी की धनुष की आवाज ला परशुराम देखेगा जनक जनकपुर माया हे परशुराम जनक जनकपुर माया ये धनुष की आवाज ला परशुराम देखेगा जनक जनकपुर माया मोर परशुराम जनक जनकपुर माया हे धनुष की आवाज ला परशुराम देखेगा जनक भैया रागी भगवान धनुष लड़ी भैया रागी चौदह भन महितन आवाज डंकोर करी आवेगा जो समय माँ महेंद्र पर्वत माँ परशुराम तप कर भैया रागी आज वहाँ ले दौड़े कुदत आज जनकपुरी में पहुंचे हवेगा आज विदेह राजा जनक जी हवे परशुराम ला दिख करके सुंदर प्रणाम करे भैया रागी आज अपन बेटी लगदी की बेटी मुनि महाराज के सुंदर प्रणाम लेवा हो आज सुंदर प्रणाम करवाही भैया रागी आज कौशिक मुनि भी राम और लखन लाल के धी बाबू रखुला आज मुनि महाराज के प्रणाम कर लेवा आज सुंदर प्रणाम करवाही भैया रागी आज परशुराम ने मन के परिचय भी बताए भैया रागी आज उस समय मां राजा मन खड़ा हो करके भैया रागी आज अपन अपन दई दद के नाम ला बता सुंदर प्रणाम करे आज सब राजा मन ला दिखे हवे परशुराम गधे की राजन ये समाज का कौन प्रकार के ते जुड़े हवस इला मुला ते बता दी और जो का कहते भैया रागी जब अनंत को तिला देखे हवेगा आज धनुष के दो खंड देखे भैया रागी आज क्रोध माया बबुला होगी कभी कि राजन जे कोई भी ये धनुष ला तोड़े हो ही बोला तो समाज ने वो रख कर दे नहीं तो जब का धुले तो राज्य हवे बोला मैं उलट पुलट कर दिया भैया रागी आज समय में राजा बोले के सामर्थ्य नहीं हो थावेगा भगवान राम गति की मुनि महाराज अब के क्रोध करत हवा नाथ शंभु धनु भंजनी हारा हो ये कदास तुम्हारा
तो प्रभु जे कोई भी धनुष ला तोड़े हो ही ना तो आपके दास से प्रभु आप पता ना करा। अच्छा भैया रह गया परशुराम कदे किरण अरे कर नहीं कर कर ला यानी दुश्मनी करना है तो दुश्मनी सही निभा दोस्ती करत है तो दोस्ती ला सही निभा सभी निभा। तो भैया रह गई आज उतका क्रोध ला देख कर की का आज लखन लाल भी का कथे भैया रह गई बोला दी शक्ति भवानी की जय। मोरे लखमार भैया का मोरे लखमार भैया मोरे लखमार भैया का मोरे लखमार भैया पटना देवा के जावा बेटा मोरे लखमार भैया पटना देवा के जावा बेटा मोरे लखमार भैया मोरे लखमार भैया का मोरे लखमार भैया मोरे लखमार भैया का मोरे लखमार भैया देवा के जावा बेटा मोरे लखमार भैया देवा के जावा बेटा मोरे लखमार भैया। तो भैया रोगी जो समय में लखन लाल मुनि महाराज लगते की मुनि महाराज क्रोध करा था वा मैं छोटी बुटी रही हूँ नाटकस धनुष तोड़े हवा कट्टकस बहुत धनवान तोड़े मुलारे काई और ऐसी ऋषि कभु न किन न गोसाई और यही धन पर ममता के ही है मुनि महाराज। मैं जब छोटी बुटी रही हूँ ना तो बड़ा बड़ा धनुष ला तोड़ के मढ़ा दे रहे लेकिन इतना रोष इतना गुस्सा तो कभू नहीं करे रहा परशुराम कदे के रे बालक हे निफ बालक काल बशो बोलत तोई न संभाल धन वंश त्रिपुरारी बनो विदित सकल संसार। हे राजा के बेटो तनी जाना पुछको ये कौन धनुष से तेला कौन धनुष से तेला ये भोलेनाथ बाबा की अजगो धनुष से ये संसार में विदित हावे भैया रागी आज उतका क्रोध लहे तो लखन लाल जी देखे हावेगा भैया आज लखन लाल कथे मुनि महाराज मुनि महाराज यहाँ कुम्हार बतिया को नाही जो तर्जन देखत मुरझाई महाराज यहाँ कुम्हार रखिया के फर नहीं लगे नहीं लगे जो तुम्हारे तर्जनी अंगली के दिखात ले जल के नष्ट हो गए। तो भैया रागी आज उस समय में ही तनगा आज विश्वामित्र दोनों जिन्हें शादी करवा थे भैया रागी मन में तो बहुत ही आनंद हो भैया रागी और गुस्सा भी हो देखा था से अबूज अभी तक नहीं जानीस कि तो सच्चा राजा मन टस से मस निकल सकी और कुशियार के समान तोड़ दे फिर भी अभी तक नेत्र नहीं खुले हावे। आज जो समय में लखन लाम ला शादी करवाई भैया रागी आज परशुराम ला भी शादी करवाए हावे भैया रागी और जो समय में भगवान राम जल के समान वचन बोला थे भैया रागी वचन बोला थे का हे मुनि महाराज मुनि महाराज अब गुस्सा ला शांत करा शांत करा प्रभु आपके रूप ला देख करके मोर छोटे भाई कुछ है अजगरी करदारी सही तो कर ले मैं माफी चाहता हूँ प्रभु काबर संत मन के एक स्वभाव होते काबर डर ए बालक एक स्वभाव और इन पर रोष धरे नहीं साधु बैया और छोट बुटी लड़का तो भैया रागी आज छोट बुटी लड़का और बैया कोई भी प्रकार के भैया रागी संभाल करके बात नहीं करेगा भगवान राम कहते कि हे मुनि बाबा मुनि बाबा मर भाई छोट बुट्टी लेकर एला माफ कर देवा माफ कर देवा। परशुराम कहते कि सुन राम सुन तोर भाई जरूर सुन का चमकत हावे लेकिन एक अंदर बीस भरे हावे भैया रागी आज जो समय में भगवान राम कहते कि मुनि बाबा मैं आप अपन कुल के बड़ाई नहीं करत हमा मैं सत्य बात ले आप लगात हमा कि हमन के सूर्यवंशी कुल के एक नियम हमें नियम है तो का नियम है भैया रागी यदि हमन का काल भी रण के क्षेत्र में बुला लेते हमन पिट कभू नहीं दिखान लेकिन ब्राह्मण देवता के चरण कमल मार रही थन ओरे कारण से हमन
अभय रही था अभय रही था आज उसका वचन ला सुने है भैया रागी सुने है भैया परशुराम के कुछ नयन खुले हावेगा खुले है का हो ना हो मैं प्रभु आज मृत्यु लोक में जन्म ले चुके हावे ले चुके हावे आज संशय ला तोड़ना है मोला तो आज धनुष ला त्रिहरि नारायण विष्णु परशुराम ला दे रही आज धनुष ला है तन भगवान राम ला दे भैया आज भगवान राम मां प्रपंच चढ़ाए हावे आज चढ़ाए भैया रागी परशुराम रहे चतुंगी भुजा मां भगवान राम ला दिखत हावे काथे भैया भगवान राम के हृदय मां भृगु लता चिन्ह ला देखे हावे परशुराम के संशय छूट गए भैया रागी छूट गए भैया आज परशुराम ने विधि की मणि महाराज श्री महाराज अब का करवाता तो और महेंद्र पर्वत के आना जाना ला काट दो का परशुराम कहते कि हे प्रभु और मन के अंधकार ला आप मिटा देवा और मान ला उत्तर दिशा की ओर छोड़ देवा छोड़ देवा राम मान ला छोड़ी हावे भैया हावे आज परशुराम सुंदर स्तुति कर ही भैया रागी अरे भैया आज की स्तुति में नौ फै जय बुलाए हावे श्री राम चरित मानस ला देख लिया जे परशुराम जय बोल स्तुति करे हावे और स्तुति में नौ फै भगवान राम की जय बुलाए हावे नौ के अपना ला सबो कोई जाना थावा नौ दिन के नौ दुर्गा रस्थन और सबकी मनोकामना ला पूर्ण होते नौ दिन के अखंड नवधा रामायण रस्थन सबकी मनोकामना पूर्ण होते वही अखंड नवधा रामायण मा भगवान राम नवधा भक्ति लपन श्री मुख से हेतु माता सबरी ला सुनाए हावे वही नवमी के दिन भगवान राम जन्म ले हावे भैया जिकर कारण से परशुराम भगवान राम की जय बुलाए चलते भैया रागी बोल श्री राम चंद्र की जय प्रभु राम की जय भगवंत समरी प्रभु राम की जय आज जैसे कहते भैया रागी आज महेंद्र पर्वत की ओर परशुराम लौट के हावे सतानंद ब्राह्मण कथे की राजन अब देर झंड करेगा तो ऐसे कर इस शुभ समाचार ला अवध्यापुरी में भिजवा दे कि राजा दशरथ जी सुंदर व्रतिया ला सजा करके भैया ही तो भैया रागी आज कौन प्रकार के व्रतिया आज जनकपुरी में पहुंचा था वे और गीत और झांकी के माध्यम से बेलारी शक्ति भवानी की जय गाती आवे लागे आवा ठाकुरा ले जा गाती आवे लागे आवा ठाकुरा ले जा पहुँचने लागे जना तो ये बाराती आवन लागे आवा था पुराने बाराती आवन लागे आवा था पुराने बाराती आवन लागे आवा था पुराने पहुँचाना लागे जाना तो पहुँचाना लागे जाना तो बाराती आवन लागे आवा था पुराने बाराती आवन लागे आवा था पुराने बाराती आवन लागे आवा था पुराने पहुँचाने लागे जाना तो भैया रागी आज महाधिराज राजा दशरथ जी हावेगा आज शुभ समाचार ला पाकर के भैया रागी अपन गुरु महाराज गुरु वशिष्ठ जी के साथ में भैया रागी आज राजकुमार मन के साथ माँ और सुंदर अवधपुरी ले भ्रत्याला जनकपुरी में लाए हैं भैया तो जनकपुरी कौन प्रकार के सजे हावेगा अब गीत और झांकी के माध्यम से बोला दी सती भवानी की जय पड़वा छवाई हावे पड़वा छवाई हावे जमाता पूरे जगबाजे लगा पड़वा छवाए हावे पड़वा छवाए हावे जगाता पूरा माला जगमाता लागा थे मुर्दाई जगमाता लागा थे मुर्दाई जगमाता लागा थे मुर्दाई जगमा
आज जो प्रकार की आज जनकपुरी सजे हावेगा, आज जो प्रकार के आज धमनी गांव माता के दरबार सजे भैया रागी, आज जो प्रकार की जनकपुरी सजे भैया रागी भैया रागी। आज वहाँ के सजावट ला देख कर की गा आज विधि ब्रह्मा की मन हितन भुला जाता है तो भैया रागी। आज जो चले में सतन ब्राह्मण की थी राजन, आज भरतिया मन हमारे पुरी में पहुँच गए हमें, आज मन सुंदर परिघा करके यथा योग्य आसन दिल तो भैया रागी। आज जो समय में राजा हमें अपन बंधु बांधव के साथ में भैया रागी, आज भरतिया मन परिघा पर पहुँचे भैया, आज पहुँच करके भैया रागी और सुंदर राजा जनक जी और राजा दशरथ दोनों को सुंदर आज संधि भेंट करे भैया रागी, आज संधि भेंट करके भैया रागी। आज सुंदर आज मल्ला जनवास में ला थी भैया रागी भैया, आज जनवास में लाए हमें अपन दूध ला कथिया जी दूध इमन के नाश्ता पानी की होतन व्यवस्था ला करवा दे, अरमन की सुंदर भोजन की भी व्यवस्था ला करवा दे तो भैया रागी। संसार में भोजन चार प्रकार के ही होते भैया रागी, जिकर रूप अनेक होते तो कौन कौन प्रकार के भैया रागी, कौन प्रकार के भैया, पहला भक्ष भोज्य चोष्य और ये चार प्रकार के भोजन शास्त्र में व्याख्यात हवे जेकर रूप अनेक हवे अनेक है भैया। तो भैया रागी आज एक प्रकार के सुंदर 56 भोग बनाए हवे, आज राजा मल्ला सुंदर नाश्ता पानी हितान बटवाए हवे, सुंदर खाना पीना के भी व्यवस्था ला करवाए हवे। आज इस समय में सतानंद ब्राह्मण के थे की राजन, अब गो धुनी बेला के लग्न है तन बीतते जात हवे, अब ऐसे करेगा तो बेटीला सखी के साथ माते मंडप मलिया और राजकुमार वाला भी मंडप मलिया और मन के सुंदर भावर की है तन तैयारी ला कर दे तो भैया रागी। आज ब्राह्मण देवता मन सुंदर मंत्र द्वारा आज मन की भावर किसे परवाद हवेगा, बोले श्यावर राम चंद्र की भावर पर भावर पर भावर पर भावर पर भावर पर भावर पर मोर गाली चाले भावर पर मोर गाली चाले भावर पर हवेगा। आज मुनि महाराज मन सुंदर मंत्र को उच्चारण कर दी भैया,
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रजा मंगलम पंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं करुणानयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं शरवलोक एकनाथं समर्पयामि ओम शांतं शाश्वतमग्नं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा समुपनिंद्र सेव्यं मनीषं भक्तेष्टि सिद्धिप्रदं आगच्छ जानकीनाथ जानक्यः राघवं गृहाणां मम पूजं च वायुपुत्रादिभिर्युतः स्वर्णरञ्जितं राम दिव्यास्त्रं सौविधम् आसनं हि मया दत्ता गृहाणां मणिचित्रकम् ओं समर्पयामि आसुंदर वेद मंत्र के उच्चारण आसुंदर भगवान मन के साधु उच्चार द्वारा आसुंदर पंडित विवाह हेतु संपन्न करे भैया आज समय में सतानंद ब्राह्मण के देख राजन अपने लोक रीति के अनुसार आज मन की टिकावन की कार्यक्रम हेतन चालू करवा देगा। ऐसे कर जितना दूर तक तो राज्य ही जनकपुरी आज वहाँ तय हाकल परवा दी की तो रीति के आज सुंदर टिकावन प्रतहारा तो भैया रागी कोई प्रकार के टिकावन के हकल परवाय हावेगा ये तो बता दे भैया रागी जनकपुर मा राजा जनक सीता मैया के सभी माती कवन पराते हो सही बात भैया रागी आज यही प्रकार के हेतु जनकपुरी मा हेतु का आज राजन हाकल परवागी गीत और झांकी के माध्यम से बोलाजी शक्ति भवानी की कोन तोरे की पगाई अजहर पजहर कोन तोरे की पगाई अजहर पजहर कोन तोरे की पगाई पाए हो कोन तोरे की पगाई पाए हो सोना तो राजी का गाई अजहरा पजहर सोना तो राजी का गाई अजहरा पजहर सोना तो राजी का गाई तोरे की कजाई अचहर पचहर कोने तोरे की कजाई अचहर पचहर कोने तोरी की कजनु काय हो माँ कोने तोरे की कजाई हो काई अचहर पचहर काई तोरे की कजाई हो काई अचहर पचहर काई तोरी की कजनु काय हो माँ काई तोरी की भाई तो टीका देनो गाय हो सीता भाई तो टीका देनो गाय हो ये भाई तो टीका देनो गाय वो सीता भाई तो टीका देनो गाय हो वो सीता भाई तो टीका देनो गाय हो वो सीता भाई तो टीका देनो तो भैया रेगी समय में विदेह राजा जनक जी हावेगा आज माता सुनेना सुंदर अचहर पचहर लटके है भैया रेगी आज समय में माता सीता के भाई आज लक्ष्मी निधि राजकुमार भैया रेगी आज काम धेनु गौ लटके हावेगा आज फिर हसी मन भैया रेगी आज अपन से जान भी बन जाते भैया रेगी आज भैया रेगी आज सब प्रकार के हितम टिके हावेगा छोड़ते हावत छोड़ते हावत
भगवान राम 15 साल के हवे और भगवान किमन की विवाह आज 15 और 6 साल संपन्न हुए। वही मंडप में भरत लाल लखन लाल शत्रुघ्न जी की भी वही मंडप में विवाह हुए हवे। माता मांडी की उर्मिला सुकृति के साथ में आज सुंदर राज्य कुमार मणि के सुंदर विवाह हुए भैया। आज सब बहु और सब भेटल अधिक करके राजा दशरथ जी बहुत गदगद हो जावे और कौन प्रकार के प्रत्यला अवध्या पूरी लगत आवे। बोलादि शक्ति भवानी की जय। भैया रगी।